ऐसा है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है बिग बॉस खत्म करने के बाद बॉलीवुड में एंट्री करते हैं, वेब सीरीज करते हैं, आपका क्या प्लान है थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्या विकास गुप्ता के साथ कुछ कोलैबोरेशन होने वाला है? देखो क्या है मालूम है, कौन सी बात आप लोगों को मीडिया वालों से कभी छुपी है क्या? बराबर ढूंढ के निकालते तो आगे भी होएगा, वो आपको पता चल जाएगा, कंफर्म है। कल तो बहुत सारे मीडिया वाले थे इसमें से, देख रहा हूँ मैं, जिन्होंने नए 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 बोल के बहुत कुछ निकलवा लिया मेरे से। तो अभी एक टॉकर हाउस करके आया जो कल डॉन सिनेमा के थे, उसमें मेरे को होस्ट का मिला, जो मलेशिया में होने वाला है उसमें होस्ट का मिला है। दो मराठी पिक्चर मिला है, एक अभी संजू बाबा बोले मेरे साथ करेगा क्या काम, करते वो तो मेरा डार्लिंग है तो उसके साथ तो नहीं भूलेगा ही नहीं, मुझे करेगा। अच्छा, और जो टॉकर हाउस है वो एजाज खान भी होस्ट करने वाले थे, तो क्या मतलब वो हट जाएंगे अगर आप एज अ होस्ट? मेरे को मालूम नहीं, कोई भी आने दे, मेरे को मेरे काम से मतलब है, एजाज क्या मेरा दुश्मन नहीं है, कोई भी करने दे, ये किस्मत है ना, किस्मत जिसको जो लिखा है वो मिलेगा ना, ऐसा है। हाँ तो बुलाया ना वो, अभी फोन किया 14-15 को जाना है शूट के लिए, बुलाए। टॉप थ्री नहीं, टॉप वन में बोलेगा तो फिर बता सकते हैं। वो जो बिग बॉस का आवाज निकलता है ना, मेरे को लगता है उसको दे दो ट्रॉफी बेचारे को, क्योंकि 3-3:30 बजे भी वो बोलता है बिग बॉस चाहते, तो उसको दे दो, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ क्या है ना, अभी तक लोगों ने हिंदुस्तानी भाऊ का ना वो पहला वाला चेहरा देखा था मालूम ना, कौन सा, पहली फुर्सत वाला, तो उधर जाने के बाद 1.5 महीने में असली चेहरा दिखाया मैं, क्योंकि मेरी दुश्मनी उन लोग से है जो मेरे देश के खिलाफ बात करते हैं, मेरे देश के लोगों के खिलाफ बात करते हैं, मैं उन लोग को बताता है, झाड़ू डाल के मोर बनाता उन लोग को। या अपने हिंदुस्तान के लोग थे अपने वो बिग बॉस के घर में, तो मेरे घर में भी ना मैं किसी को गाली नहीं देता है ना किसी, बाहर बहन बेटियों की सबकी इज्जत करता मैं, तो वो भी आए हुए किसी की बहन बेटियाँ थी ना, तो बनता है। अच्छा भाव, जैसे कि आपने कल बात था कि सबसे ज़्यादा मैंने माँ को विश किया था, माँ ने पहले ही गले मिलके मेरे को बोला कि अभी तू मेरे को छोड़ के किधर नहीं जाने का, फाइनल हो गया, फिर खत्म, जीत गया मैं बिग बॉस, ऐसा है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है बिग बॉस खत्म करने के बाद बॉलीवुड में एंट्री करते हैं, वेब सीरीज करते हैं, आपका क्या प्लान है थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्या विकास गुप्ता के साथ कुछ कोलैबोरेशन होने वाला है? देखो क्या है मालूम है, कौन सी बात आप लोगों को मीडिया वालों से कभी छुपी है क्या? बराबर ढूंढ के निकालते तो आगे भी होएगा, वो आपको पता चल जाएगा, कंफर्म है। कल तो बहुत सारे मीडिया वाले थे इसमें से, देख रहा हूँ मैं, जिन्होंने नए 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 बोल के बहुत कुछ निकलवा लिया मेरे से। तो अभी एक टॉकर हाउस करके आया जो कल डॉन सिनेमा के थे, उसमें मेरे को होस्ट का मिला, जो मलेशिया में होने वाला है उसमें होस्ट का मिला है। दो मराठी पिक्चर मिला है, एक अभी संजू बाबा बोले मेरे साथ करेगा क्या काम, करते वो तो मेरा डार्लिंग है तो उसके साथ तो नहीं भूलेगा ही नहीं, मुझे करेगा। अच्छा, और जो टॉकर हाउस है वो एजाज खान भी होस्ट करने वाले थे, तो क्या मतलब वो हट जाएंगे अगर आप एज अ होस्ट? मेरे को मालूम नहीं, कोई भी आने दे, मेरे को मेरे काम से मतलब है, एजाज क्या मेरा दुश्मन नहीं है, कोई भी करने दे, ये किस्मत है ना, किस्मत जिसको जो लिखा है वो मिलेगा ना, ऐसा है। और हाँ नहीं, मैं फैंस के लिए नहीं बोलते, वो कुछ 10% लोग रहते थे ना जो भाऊ को ये सोचते, भाऊ गाली देता है, भाऊ ये करता है, भाऊ को अक्कल नहीं, मैं उनके लिए बोलता था, मगर अभी उन लोग भी मेरे को बहुत प्यार किया। अभी 1.5 महीना हो गया मैं आके, मुझे बहुत इज्जत मिली, बहुत, यानी जो वो लोगों के माइंड में था ना कि ये गंदा आदमी अभी बिग बॉस में जाएगा और वो करेगा, तो उनका जो माइंड मैंने चेंज किया, तो आज मुझे बहुत प्यार करते हैं उन लोग। तो वो डायलॉग था कि जिसको भी मेरे बात का बुरा लगता है वो पहली फुर्सत में निकल, खाता है इधर का और गाता है उधर का, तो पहली टिकट निकाल और भाग उधर चल। समझा? हाँ।
ऑफकोर्स मैंने ट्रेलर देखा है और शेयर भी किया है एंड द ट्रेलर लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा होगा पूरा सीरीज एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ 2020 एंड कंग्रेचुलेशंस विकास एंड ऑल द टीम मेंबर्स. यू हैव डन अ फैब जॉब. कॉलेज की मेरी फन मेमोरी यही है कि आई यूज टू पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ और डांस ड्रामेटिक्स और हर किसी फंक्शन में मैं बहुत ही पार्टिसिपेट करती थी. सो कॉलेज की मेमोरीज थोड़ी सी कम है क्योंकि बाय द टाइम आई एंटर्ड कॉलेज आई हैड स्टार्ट वर्किंग इन द इंडस्ट्री. तो कॉलेज लाइफ मैंने बहुत कम इन्जॉय की है पर ऑफकोर्स स्कूल लाइफ बहुत इन्जॉय की है और ये जो सारे बच्चे हैं वो स्कूल ड्रेस पहन रहे हैं तो वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है. आई एम ऑल्सो फर्स्ट बेंचर एंड ऑल्सो बैक बेंचर बोथ. थैंक यू. क्या कहना चाहूँगी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी बाकी देख के पता चलेगा. सो विकास का हमेशा उनका जितना भी मैं शो देखी हूँ दे आर वेरी गुड. सो यार सो ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम श्योर क्लास ऑफ 2020 बहुत अच्छी होगी. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. कॉलेज लाइफ तो हाँ, क्लास बंक करना, कैंटीन में बैठ के दिन भर मैगी खाना फ्रेंड्स के साथ. तो यस, बहुत मिस करती हूँ मैं. कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती है और हमेशा लाइफ टाइम इज बिग मेमोरी एक्चुअली. सो कॉलेज तो कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ हमेशा स्पेशल होती है. तो यार वी मिस इट अ लॉट. सॉरी बिग बॉस मैं 100% फॉलो कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिग बॉस देख के. ऑलमोस्ट ग्रैंड फाइनल आने वाला है एंड एक्साइटेड है. लेट्स सी हु विल विन. टॉप थ्री में मेरे लिए तो आसिम, सिद्धार्थ एंड सना एंड आई रियली होप इनमें से ही कोई जीत के बाहर आए. इनफैक्ट मेरे लिए भी है आसिम, सिद्धार्थ, सना और शायद रश्मि भी हो सकती है. तो इनमें से कोई होना चाहिए टॉप थ्री में. मेरे अकॉर्डिंग सलमान सर, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक हम बोल सकते हैं कि बिग बॉस कभी भी बायस नहीं होते यार. उन्होंने तो अपॉर्चुनिटी दी है और इतना बड़ा स्टार बनाया है. तो मुझे नहीं लगता है क्योंकि आप सिर्फ एक घंटा देखते हैं और 24 घंटे की जो जर्नी होती है तो वो जो क्रिएटिव है वो निकालते हैं. तो आई डोंट थिंक सो सलमान सर या कोई बिग बॉस
जो क्रिएटिव टीम है बाहर छोटी है। कभी कभी क्या होता है सिचुएशन ऐसे लगती है कि लाइक अगर हम आसिम के फैन हैं तो हम सोचेंगे कि आसिम के साथ गलत हो रहा है, अगर सलमान सर आसिम को डांट रहे हैं या सिद्धार्थ को किसी बात पे टोका जाता है तो सिद्धार्थ के फैंस उसके यू नो सलमान सर के अगेंस्ट हो जाते हैं या बिग बॉस से कह रही सिद्धार्थ के साथ गलत हो रहा है। तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल आई थिंक बिग बॉस में चलता रहता है ये सब चीज़ें। अभी ऐसा कुछ नहीं है ऐसे जाने का, बिग बॉस बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे फॉर श्योर। थैंक यू।